हेलो दोस्तों, अमान इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस हीटर का स्प्रिंग और प्लेट दोनों कट गया है। तो आज के वीडियो में हम आपको स्प्रिंग लगा के बताएंगे किस तरीके से स्प्रिंग को लगाया जाता है। वीडियो में बने रहें। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने 2000 वाट की स्प्रिंग ले लिया और एक हीटर प्लेट ले लिया जिसका साइज है 178 mm। ये आप देख सकते हैं। तो पहले हम हीटर को साइड में रख देंगे। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। तो दोस्तों, पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं, खोल लेते हैं, स्प्रिंग को निकाल लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा कनेक्टर वायर और इस दोनों छल्ले में हमें स्क्रू को टाइट करना है। तो दोस्तों, पहले हम स्क्रू को निकाल लेते हैं कनेक्टर वायर से। ये आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपको लगा लेना है स्क्रू को और इस दोनों होल में हम इसे टाइट करेंगे। ये आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपको लगा लेना है और इसके ऊपर हम वार्सल को रख देंगे और अब हम कनेक्टर वायर इस पर लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से लगाया जाएगा। ठीक इसी प्रकार से को दूसरे कनेक्टर वायर को हम लगा लेंगे। ये आप देख सकते हैं, हमने लगा लिया और पेंच को अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे, लूज कनेक्शन ना हो। अगर पेंच को हम अच्छी तरीके से टाइट नहीं करेंगे तो स्प्रिंग जल्दी हमारी ख़राब हो जाएगी, कट जाएगी यहीं से। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से हमने टाइट कर लिया। तो दोस्तों, हमें लगाने से पहले स्प्रिंग को थोड़ा बढ़ा लेना है खींच के, ताकि हमारी स्प्रिंग अच्छी तरीके से आ जाए। आप देख सकते हैं, इसे साइड में रख देंगे इस तरीके से और इसे खींच के बढ़ा लेंगे। इस तरीके से इसे बढ़ा लेना है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं, इसलिए हम लगा दिया स्प्रिंग में। आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपको लगाना है। बराबर से स्प्रिंग को लगाएंगे इस तरीके से। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।